अल्लाह पाक आप सबको अपने उस अमान में रखे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, वो बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है, धुआं दही गोश्त की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनता है, आप लाजमी बनाइएगा। इसके लिए मैंने 3 पाव जो है बीफ लिया है। अच्छा, ये मेरा मिक्स गोश्त है, बगैर हड्डी का भी है और थोड़ा सा हड्डी वाला भी है। आपको जैसा पसंद हो आप बना सकते हैं। इसमें आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं और मटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ। 3 पाव मैंने गोश्त लिया है बीफ। उसके अलावा मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने कट करके रख लिया है। 1 बड़े साइज़ की प्याज है, इसको रफली मैंने कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून है। धनिया है कुटा हुआ, ये 1 टीस्पून है। जीरा 1 टीस्पून, दालचीनी मिर्च 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून जाएगा, हल्दी 1/2 टीस्पून और नमक आप हसबें जायका लीजिएगा। अच्छा, 2 बड़ी इलायची है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने रेसिपी को किस तरह स्टेप बाय स्टेप बनाना है। अब हम इसमें तकरीबन 3 गिलास के करीब जो है पानी डाल रहे हैं। हमने सिंपल पहले गोश्त को बॉयल कर लेना है, उसके बाद हम इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके फिर मसालों के साथ इसकी कुकिंग करेंगे। इसमें मैं ये शामिल कर रही हूँ, गोश्त, प्याज जाएगी और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इस पॉइंट पे मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब जो है सॉल्ट भी इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये हम इसमें 2 बड़ी इलायची भी डाल देंगे। इसको डालने से क्या है कि गोश्त में जो मसाल होती है वो चली जाती है। और इसको भी हमने बॉईल करना है। मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला है और इसको मैं प्रेशर कुकर में गलने के लिए रखी हूँ तकरीबन 20 मिनट में। जितना हमें चाहिए इतना ये गल चुका होगा। मैं इसको गला लूँ फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए हमारा गोश्त बेहतरीन किस्म का गल चुका है। इसे 20 मिनट तकरीबन गलने में लगे हैं। और यखनी देखिए आप बहुत ज़्यादा नहीं बची है क्योंकि मैंने पानी 3-3.5 गिलास डाला था। अब हमने इसका सेकेंड स्टेप जो करना है वो ये है कि हमने इसके गोश्त को जो है जिस कढ़ाई में हमने इसको बाकी मसालों के साथ पकाना है उसमें हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। ये देखें प्याज भी क्या बेहतरीन किस्म की इसकी गल गई है। अच्छा, प्याज जो मैंने डाली थी उस पॉइंट पे वो इसलिए डाली थी कि इसमें थोड़ा सा मसाला भी रहे, बिल्कुल खुश सा ना रहे, ताकि खाने में रोटी वगैरह के साथ नान के साथ ये अच्छा लगे, थोड़ा मसाला भी हो। तो ये गोश्त अभी मैंने सिर्फ करना है, ये सिंपल गोश्त इसमें मैंने निकाल दिया है। ये टमाटर जो मैंने 2 अदद काटे थे ये इसमें हम रख देंगे। और जितने मैंने ड्राई पाउडर्स रखे थे मसाले वो सारे हमने इसमें शामिल कर लेने हैं। दालचीनी मिर्च, हल्दी और सॉल्ट, ठीक है। अब मैंने इसमें ये जो यखनी मैंने बचा के रखी है इसको हम बीच बीच में यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊंगी किस किस टाइम पे। ये इसमें सिंपल इस पॉइंट पे मैंने अभी ये यखनी 2 से 3 चम्मच ये देखें इसके अंदर इसका पूरे जूसेस हैं गोश्त के। ये डाल के हमने इसको कवर करके रख देना है चूल्हे पे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि तब तक जो है हमारे जितने भी टमाटर हैं सॉफ्ट हो जाए और अच्छा सा जो है जूसेस के साथ जो है मसाले मिक्स हो जाए और पक जाए। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमने मसाले डाल के इसको स्टीम होने के लिए रख दिया था। ये देखिए अब इसके छिलके जो है बिल्कुल ईजिली उतर जाएंगे। इस तरह हमने सारे छिलकों को टमाटर के फटाफट निकाल के और फिर इसको अच्छे तरीके से मैश करके इसको हमने भूनना है। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें ऑयल अभी तक नहीं इस्तेमाल किया है। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ऑयल डालूँगी 4 से 5 टेबल स्पून तकरीबन, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि बीफ की जो यखनी है इसमें अपने भी काफ़ी जो है ऑयल है। बस अब हम इसमें टमाटर मैश करके इसको भूनेंगे। तो ये देखिए ये 1 से 1.5 मिनट इसको मुसलसल भूनते हुए हो चुका है। टमाटर भी मैंने मैश कर लिए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैं जो है इसमें जीरा मैंने कुटा हुआ जो लिया था वो शामिल कर दूँगी और ये गरम मसाला इसमें जाएगा। बस ये मसाले ही इसमें जाएंगे, आप इससे ज़्यादा मसाले इसमें शामिल नहीं कीजिएगा क्योंकि इसका बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट है। बाकी आप गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से डबल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी दही तो गोश्त की जो है बुनाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। बस अब इसका ऑयल भी सेपरेट होने वाला है। इसके बाद जो इसके मेन स्टेप्स हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ। मैं चूल्हा इस पॉइंट पर बंद कर दूँगी। तो ये देखिए बिस्मिल्लाह, अब हम गोश्त को अपने जिस भी बाउल में हमने सर्व करना है उसमें शिफ्ट कर लेंगे। मैंने गोश्त को जो है इस तरह के डोंगे में निकाल लिया सर्विंग के लिए। अब इसमें ही मैंने देखिए दही को जस्ट मैंने फेंट के रखा है, इसको मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी यूज़ नहीं किया। इसकी इस तरीके से हमने दही की अच्छी सी लेयर इसके ऊपर लगा देनी है ताकि जो है दही से कवर हो जाए हमारा जितना भी गोश्त है, इसमें दही ज़्यादा जाता है। अच्छा, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं गोश्त, मतलब आपका 1.5 किलो गोश्त है, तो आप गोश्त की और दही की 2 लेयर्स जमा सकते हैं। जैसे एक ही फर्स्ट लेयर हो गई, इसके बाद आप दोबारा से गोश्त रखेंगे और फिर वो सेकंड लेयर आप इसकी बना दीजिएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये लच्छे वाली प्याज इसके ऊपर रखूँगी। देखिए मैंने गोल गोल काटी है, कितनी खूबसूरत लग रही है।
ये धुआं दही गोश्त बहुत मज़ेदार बनता है। बकरा ईद है, कुर्बानी है, बनाएं मज़े से खाएं। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा ये देखें, इससे मैंने ये हरी मिर्चें डाली हैं क्योंकि मैंने मसाले इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखे हैं। ये हरी मिर्चें जाएंगी और ये इस पर इस तरीके से हम धनिया को सर्व कर देंगे। तो भाई ये क्योंकि धुआं दही गोश्त है तो अब इसको धुनी तो हमें लगानी होगी। तो मैंने कोयले का पीस जो है गरम होने के लिए रख दिया था। अब मैं इस पर थोड़ा सा जो है ये ऑयल डालूंगी और इसको कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए ये इसको जो है धुनी लग चुकी है, बिल्कुल तैयार है हमारा ये धुआं दही गोश्त बकरा ईद स्पेशल। अच्छा ये बहुत ज़्यादा देर के लिए धुनी नहीं दिया करें, बस कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, वरना इसमें बहुत करवाहट सी आ जाएगी जो है ना। ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए कि आपके कोयले में से जो जितना धुआं उठ रहा है तो आपने इसको रख दिया है। तो ये लीजिए तैयार है हमारा दही धुआं गोश्त। तो आप भी बनाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।